हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम भावना एंड टुडे वी स्टडी चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ राइट्स अबाउट हिम जब पर्सन अपने खुद के लिए कुछ लिखता है दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी इज अ थिंग वेन कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ भी लिखता है तो उसको ऑटो बायोग्राफी बोला जाता है नाओ लुक ऑन नेल्सन मंडेलाज लाइफ हिस्ट्री ही वॉज बॉर्न ऑन एटीन जुलाई नाइनटीन एटीन एट उमे साउथ एफ्रीका ही स्पेंड मोर देन थर्टी ईयर्स इन प्रीजन एज फ्रीडम फाइटर And he fought against apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid ek ऐसा system है जिसमें people को उनकी race के according उनकी जाति के आधार पर उनसे रंगभेद किया जाता है. He was died on 5 December 2030. 10 में 1994 was the day of inauguration, a day of freedom for South Africa, which was celebrated in a huge gathering of international leaders and dignitaries. टेंथ मे 1994 को इनाग्रेशन का दिन था बहुत ब्राइट डे था साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा दिन था रेड लेटर डे था जो कि सेलिब्रेट किया गया बहुत बड़ी गैदरिंग के बीच में इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्नेटरीज वहां पे प्रेजेंट थे दिस सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया प्रिटोरिया वॉज सिटी उसके एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी हेल्ड की गई थी क्योंकि उस दिन फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हुआ होना था पॉलिटिशियंस एंड डग्नेरिटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी और उस सेरेमनी को 140 कंट्रीज के पीपल कलेक्ट हुए थे डग्नेरिटरीज कलेक्ट हुई थी वहां पे उस रेड लेटर डी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑन दैट लवली डे ऑफ मंडेलास लाइफ व्हेन ही वाज़ सपोज्ड टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट उथ एफ्रीका जब वो मंडेला जब शपथ लेने के लिए गए औट लेने के लिए गए एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ एफ्रीका के तो उनके साथ उनकी डॉटर थी मंडेला प्लेज टू लिबरेट दीपल ऑफ इस कंट्री फ्रॉम पॉवर्टी सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन मंडेला ने अपने पीपल को किस से लिबरेट कराने की प्लेज ली थी कि वो अपनी कंट्री से पॉवर्टी सफरिंग जो पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं जो टॉलरेट कर रहे हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है जो भेदभाव उनके साथ होता है उसको दूर करने के लिए उससे पीपल को मुक्त करवाने के लिए शपथ ली थी और जब वो शपथ लेने गए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क ही स्वन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सबसे पहले वोट लेने वाले कौन थे मिस्टर डी क्लर्क और उन्होंने शपथ ली थी सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उसके बाद वॉज वन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट देन देर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंटे मबेकी देन मंडेला इन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट देर वॉज एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हैलीकॉप्टर सिल्यूटिंग द प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला यहाँ पे स्पेक्टेक्यूलर डिस्प्ले था बहुत ही शानदार डिस्प्ले था साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे हेलीकॉप्टर्स थे वो सल्यूट करते हुए किसको नेल्सन मंडेला को जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे सेरेमनी the विद and ऑफ टू by बाय द वाइट बाय द ceremony हो रही थी इस सेरेमनी में जो वाइट पीपल थे और जो ब्लैक पीपल थे उन दोनों के नेशनल एंथम्स को गाया गया था इसीलिए इस वो टाइम जो था वो क्लाइमेक्स का टाइम था बहुत बड़े आनंद का टाइम था क्योंकि उसमें दोनों पीपल के दोनों वाइट और ब्लैक दोनों रेसेस के जो पीपल थे उन्होंने अपने अपने नेशनल एंथम्स को गाया था इन हिज स्पीच मंडेला थैंक द पीपल हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड रिमेंबर्ड अ फ्यू ऑफ देम अपनी स्पीच में मंडेला ने उन सब पीपल को थैंक किया जिन्होंने उस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया उनमें कुछ नेम क्या थे ऑलिवर टैम्बो वॉल्टर सेसुलू चीफ लोथुली यूसुफ डेडू एंड ब्रैम फिशर मंडेला मेंशन इन हिस्स स्पीच दैट अ कंट्री इज रिच उन्होंने अपनी स्पीच में मैंशन किया कि कंट्री रिच होती है बिकॉ नॉट बिकॉज ऑफ़ इट्स पीपल नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स फाउंड दैट एक कंट्री रिच हो सकती है उसके पीपल से क्योंकि वो ही उसकी फ्यूचर जनरेशन है वो ही उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं नॉट बिकॉज द मिनरल्स यहाँ पे मिनरल्स का यू मिनरल वर्स का यूज इसलिए किया है क्योंकि साउथ अफ्रीका फेमस है अपनी माइंड्स के लिए जहाँ की डायमंडस की खाने बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं पीपल शुड लव ईच अदर एंड डू नाट हेट एनी वन से अपनी स्पीच में कहते हैं कि पीपल को एक दूसरे से लव करना चाहिए नैचुरल गुडनेस हम किसी से जबरदस्ती किसी को लव नहीं करवा सकते ये एक नेचुरल गुडनेस है ही एक्सेप्टेड इन हिज स्पीच दट

ये क्या था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मंडेला डिजायर्स पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट मंडेला चाहते थे कि सब पीपल किस से रहें बहुत ही रिस्पेक्ट से रहें अपनी पूरी लाइफ में ही वॉन्ट्स द अप्रेसर एंड ऑपरेस टू बी लिबरेटेड हर कोई लिबरेटेड होना चाहिए किससे मुक्त होना चाहिए किसी को भी कोई किसी को सप्रेस ना करें किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो जो जिसकी डिजायर है उसको वो इक्वलिटी के अधिकार मिलने चाहिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स की कीप रीडिंग स्टे कनेक्टेड